जो चीन अमेरिका समेत सारी दुनिया नहीं कर पाई वह भारत ने कर दिखाया। आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है, जानेंगे इस खबर के बारे में सब कुछ विस्तार से। उससे पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी विनती है कि अगर आप चाहते हैं कि भारत कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे रहे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। देश में कोरोना के कहर को कम करने के लिए हर कोई मदद करने में लगा है। ऐसे में दिल्ली ने कोरोना के जांच की सस्ती किट बनाई है। ICMR की लैब से पुष्टि के बाद इसे मंजूरी भी मिल गई है। ये किट देश में अब तक न केवल सस्ती है बल्कि इससे बेहतर और सटीक परिणाम आएंगे। ये किसी भी कमर्शियल किट से जल्दी काम करेगी। हालांकि इसकी निश्चित समय सीमा क्या होगी ये अभी बताना मुश्किल है। इस किट को IIT के प्रोफेसर विश्वजीत कुंडू ने बनाया है, साथ ही उनकी टीम ने भी इस पर काम किया है, जिसमें PhD स्कॉलर आशुतोष पांडे, प्रवीण त्रिपाठी, डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, डॉक्टर पारुल गुप्ता, सोनम धमीजा, विवेकानंद पेरूमल, प्रोफेसर मनोज मेनन और प्रोफेसर जेम्स गोमेज शामिल हैं। साफ है कि दिल्ली में मौजूद कुसुमा स्कूल ऑफ वायरोलॉजी साइंसेज के शोधकर्ताओं ने इसे बनाया है। इस तरह की मंजूरी लेने वाला IIT दिल्ली ऐसा पहला शैक्षणिक संस्थान है। ज्ञात हो कि भारत ने चीन से भी जांच किट मंगाई थी लेकिन उसकी गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़े हुए। जाहिर सी बात है कि विदेश से आई किट लगभग 4500 की पड़ती है तो वहीं ये किट केवल 300 रुपये में उपलब्ध हो जाएगी। इस तकनीक को पेटेंट करा लिया गया है। इसे IIT दिल्ली के ही फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ने पेटेंट किया है। IIT दिल्ली के सभी पेटेंट यही करती है। हमारी एक किट से 30 से 50 टेस्ट किए जा सकते हैं। एक पूरी किट की कीमत 9000 से 15000 के बीच हो सकती है। कई कंपनियां इसमें अपनी रुचि दिखा रही हैं।